बलरामपुर में शुक्रवार ग्राम पंचायत मैना हवा के प्रगतिशील किसान राजकुमार वर्मा पुत्र शीतला प्रसाद के गन्ना प्रक्षेत्र पर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इकाई तुलसीपुर द्वारा गन्ना विभाग के मुखिया डॉक्टर राजेश प्रताप शाही ने फीता काटकर मानसून गन्ना बुवाई का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेश प्रताप शाही ने बताया कि परिक्षेत्र क्रय केंद्र खैरनिया का क्षेत्र असंचित व ऊंची जमीन है। मानसून गन्ना बुवाई वैज्ञानिक तकनीक एवं क्रूड से क्रूड 3 फीट दूरी तथा खाली जगह में 2 लाइनों के बीच अंतर्वर्तीय फसल के रूप में फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधक गन्ना राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं में बदलाव आ रहा है, जिससे औसत तापमान 5 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। गन्ना नमी एवं गर्म जलवायु और लंबी अवधि की फसल है। अगस्त से सितंबर का समय गन्ना जमाव एवं बढ़वार दोनों की दृष्टि से उत्तम है, जिस कारण गन्नों में विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकता है। अंततः ज़्यादा पैदावार एवं मौसम की मार से बचने के लिए मानसून गन्ना बुवाई आज की ज़रूरत है। मैं आरती शाही उप महाप्रबंधक गन्ना बलरामपुर चीनी मिल इकाई तुलसीपुर में हूँ। वर्तमान समय में शरदकालीन गन्ने की बुवाई तेज़ी से चल रही है। उसी के क्रम में ग्राम मैनावा में आज प्लांटिंग हुई है, जो 0118 प्रजाति की गन्ने की बुवाई हुई है। और शरदकालीन गन्ने में जो किसान इस समय गन्ना बुवाई करते हैं, उसमें 20% बसंतकालीन की अपेक्षा ज़्यादा उपज होती है। और इसमें सूखा, जो शरदकालीन में गन्ना बोया जाता है, उसमें सूखा और बरसात दोनों को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अलावा कीट और बीमारियों का भी प्रकोप इस समय बोए गए गन्ने में कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय किसान गन्ने के साथ फसली खेती में आलू लहसुन आलू प्याज आलू मटर आलू धनिया करके 3 महीने में अतिरिक्त फसल लेके कम से कम प्रति एकड़ 50 से 60 हज़ार रुपये अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। किसानों को अतिरिक्त लाभ हो सकता है। चीनी मिल द्वारा वर्तमान में किसानों को नई प्रजातियों का बीज जैसे 15023 14201 118 पर्याप्त मात्रा में किसानों को आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय चूँकि पर्याप्त मात्रा में लेबर भी उपलब्ध रहती है, बसंतकालीन की अपेक्षा ज़्यादा लेबर उपलब्ध रहती है, किसानों के पास समय रहता है और चीनी मिल के में पर्याप्त नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध है, तो किसान जो भी नई प्रजाति चाहेंगे चीनी मिल से उपलब्ध करा दिया जाएगा। और किसानों को छूट पे इस समय हेक्जा स्टाफ और कार्बन एंजाइम इत्यादि और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं चीनी मिल से। इसके अलावा एग्री इनपुट हम जैसे डीजल इंजन और लपेटा पाइप और पावर टिलर और नैपसैक मशीन पावर नैपसैक स्प्रेयर इत्यादि एग्री इनपुट भी पर्याप्त मात्रा में 25 से 30% छूट पे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। चीनी मिल का पेराई सत्र नवंबर के लास्ट में चलेगा, क्योंकि इस समय फसल बड़ी अच्छी चल रही है। और किसानों से अनुरोध है कि शरदकालीन में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की बुआई 15023 14201 118 प्रजाति की करें, ताकि अपना उनका उत्पादन बढ़े और चीनी मिल को पर्याप्त गन्ना मिल सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।